हेलो मॉमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। अराउंड 3 मंथ बच्चों के गम्स जो होते हैं वो टीथिंग के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं और 1 साल तक कई बच्चों का पहला दांत, कई बच्चों के 2-3 दांत भी आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों के दांत आने के क्या लक्षण हैं, क्या आपको घरेलू उपाय करना चाहिए ताकि बच्चे को तकलीफ कम हो और क्या सावधानियाँ रखनी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे क्या सिम्टम्स हैं, ऐसे क्या लक्षण हैं जिसे आप पता कर सकते हैं कि बच्चा जो है टीथिंग की वजह से ही परेशान है। सबसे फर्स्ट और कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे के शरीर थोड़ा गर्म होना, फीवर आना, वोमिटिंग होना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, बच्चे के पेट में दर्द होना और बच्चे का बार बार बीमार रहना। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे जो सभी चीज़ों को उठाकर मुंह में डालने के और चबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे के जबड़े जो है वो उस वक्त थोड़ा पेन होता है, जिस वजह से बच्चा जो सभी चीज़ों को जब चबाता है तो उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे का चिड़चिड़ा होना या फिर बार बार बेवजह रोना, ये भी टीथिंग का जो है एक साइन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप बच्चे के गम्स को थोड़ा टच करते हो तो बच्चे का अचानक से रोना या फिर बच्चे के गम्स में थोड़ा सूजन हो जाना, बच्चे का थोड़ा सुस्त हो जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या घरेलू उपाय हैं जिससे आप बच्चे को टीथिंग के दर्द से जो है वो थोड़ा राहत दिला सकते हैं। सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे को टीदर दीजिए। मैंने भी अपने बच्चे को 3 मंथ से ही दिया था और ये बहुत यूज़फुल होता है बच्चों के लिए। बच्चे को फ्रूट टीदर दीजिए, सिंपल टीदर, बीपीए फ्री प्रोडक्ट्स बच्चे के लिए इस्तेमाल कीजिए। बच्चे इसे काफ़ी इंजॉय करते हैं और बच्चों को टीथिंग के पेन से काफ़ी रिलीफ मिलता है। फ्रूट टीदर तो आपको बच्चों के लिए ज़रूर खरीदना चाहिए, ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसमें आप ग्रेप्स हो, एप्पल हो, जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, ये सब आप इसमें बच्चे को डाल कर दे दें और बच्चे इसे सक करते हुए बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और बच्चों की टीथिंग के पेन से को भी जो है वो थोड़ा भूल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के गम्स की मसाज। बच्चे के गम्स में अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो आप अच्छे तरीके से अपने हैंड को वॉश कर लें और थोड़ा थोड़ा करके बच्चे के गम्स की मालिश कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहा है या बहुत ज़्यादा कब्ज हो रहा है तो इस केस में आप बच्चे को केला ज़रूर खिलाएं, ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके साथ बच्चे को अगर सर्दी जुकाम है तो आप बच्चे को केला ना दें। नेक्स्ट पॉइंट है मालिश। मालिश से भी बच्चों को बहुत राहत मिलता है, बच्चे जो है काफ़ी रिलैक्स महसूस करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, जिस वजह से थोड़ी देर के लिए इस तकलीफ़ को बच्चे जो है वो भूल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस समय पे आपको बच्चे के लिक्विड इंटेक को बढ़ा देना है, क्योंकि कई बच्चे वोमिटिंग करते हैं, कई बच्चे पोटी करते हैं, कई बच्चे लूज मोशन होता है, कई बच्चों को कब्ज होता है, कई बच्चों को पेट में दर्द होता है, तो बच्चों को भरपूर पानी पिलाना बेहद ज़रूरी है इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए। इसके साथ बच्चे को आप फ्रूट की प्यूरीज दें, हमेशा बच्चे को अच्छे से पका हुआ खाना दें, बाहर की चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है इस टाइम पर बच्चों के लिए। बच्चों की डाइट में हरी सब्जियों को ज़रूर शामिल करें, इसके अलावा बच्चों को दाल, दलिया, खिचड़ी, जितना हो सके घर का बना फ्रेश खाना खिलाएं। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या सावधानियां रखनी है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको बच्चे के हाइजीन, उनकी साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस वक्त बच्चे कई सारी चीज़ें उठाकर मुँह में तुरंत डाल लेते हैं, जिस वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के आसपास ऐसी कोई भी चीज़ें ना हो जो बच्चे को नुकसान पहुंचाए। इसके साथ बाहर की चीज़ें बच्चे को बिल्कुल ना दें। बच्चे को समय समय पर ब्रेस्ट मिल्क पिलाते रहें। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिलाते रहें, फ्रूट जूसेस पिलाते रहें। आपको ध्यान देना है कि बच्चे में पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो। इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता है होना है। कई बच्चों के दांत जल्दी आ जाते हैं, कई बच्चों के दांत थोड़ी देर से आते हैं। मेरे बेटे का पहला दांत 1 साल पे आया था, जब उसका फर्स्ट बर्थडे था तो 1 दांत आया था। तो कोई बात नहीं, टीथिंग एक प्रोसेस है, सभी बच्चों का आता है। कुछ बच्चों का जल्दी आ जाता है, कुछ बच्चों का लेट से आता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब।